Assalamu alaikum, children. How are you today? We are going to do a very interesting, as a matter of fact, we will do two very interesting activities today. So let's get started. Our first activity is this we are going to fill these blanks with the correct word. Let's start. One day the sun was वन डे द सन वॉज वॉट वी विल राइट जम्पिंग और शाइनिंग एक दिन सूरज जो था जम्पिंग मतलब जम्प करना उछलना और शाइनिंग मतलब चमकना तो क्या कर रहा था सूरज आप सोच के बताएं क्या आएगा वन डे द सन वॉज जम्पिंग और शाइनिंग अच्छा नेक्स्ट है अ डॉग वॉज अ डॉग वाज एक कुत्ता जो था स्लीपिंग सो रहा था या रीडिंग रीड read कर रहा था रीडिंग क्या कर रहा था अ डॉग वाज आपने लिखना है अ हैन वाज और एक मुर्गी जो थी अ हैन वॉज ड्रिंकिंग और ईटिंग एक मुर्गी जो थी वो ड्रिंक कर रही थी या ईटिंग कर रही थी क्या कर रही थी ग्रेन्स दाने दाने क्या करते हैं पीते हैं या खाते हैं आप बताइए ईटिंग और ड्रिंकिंग अ कैट वाज कमिंग और राइटिंग एक बिल्ली जो थी वो आ रही थी या राइट कर रही थी बिल्ली राइट कर सकती है आप खुद सोचें

और गुड कौन सा डॉग बैड डॉग या गुड डॉग बैड या गुड आपने बताना है द दॉग हेल्प सेव्ड हर फ्रॉम द कैट तो डॉग ने उसकी हेल्प की और उसको कैट से बचा लिया अच्छा अब हम आते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ दूसरी एक्टिविटी में हम आपको यह बताते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं ओके हाउ टू मेक क्वेश्चंस? तो क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको चाहिए व्हाट, हु, एंड व्हिच व्हाट मतलब क्या हु मतलब कौन वेर मतलब कहाँ? विच मतलब कौन सा वाट हु एंड वेच ये फोर वर्ड्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप क्वेश्चन बनाते हैं ठीक है दिस इज हाउ यू मेक क्वेश्चन ओके ये देखिए ये एक एक्टिविटी है अब आपने ये करनी है अली वॉन्ट्स टू नो दिस बॉयज नेम अली चाहता है एक लड़के का नाम जानना तो वो क्या कहेगा वाट वॉट कहेगा वेरी गुड वॉट इज योर नेम वॉट इज योर नेम ये अब आप अपनी कॉपी में लिखें अली फाउंड अ पेंसिल ही वॉन्ट्स टू गिव इट बैक अली को एक पेंसिल मिली है वो इसको वापस करना चाहता है लेकिन वो किसको वापस करे नाम क्या है तो वो कहेगा पेंसिल इज दिस उूज पेंसिल इज दिस वेरी गुड चले आज के लिए इतना ही काफी है आप वो फिलिंग द ब्लैंक्स करें और उसके बाद ये टू क्वेश्चन बनाए ओके अल्लाह हाफिज